हमारे बाज़ वो मलंग बाबे जो होते हैं वो कहते हैं जी नमाज़ पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है हमने दिल के कायम की हुई है ये उनकी ख़ुद साख्ता तोजी है नमाज़ कायम करने का हुक्म अहले ईमान को दिया गया की वसात से और हजूर असलाम को हुक्म दिया गया कि नमाज़ कायम करें तो आका करीम इस्लाम से बेहतर उसका मफहम कौन समझ सकता है तो आका करीम ने रुकू और सजूद वाली नमाज पढ़ी और कि आम नमाज का अमली इजहार लोगों के सामने रखा फिर उसके अंदर कैफियत किस कदर हो तो ये फिर जितनी गुरबत अल्लाह की बंदे को नसीब होगी उस कदर वो आगे बढ़ता चला जाएगा तो ये बातल तो जी हाथ ये जाहिल लोगों की जिसके बदन से बदबू के बबूके फूट रहे हों और जिसके जिसम में जुएं पड़ी हों और जिसने छः साल से गसल ना किया हो वो इस अतमाद से कह रहा होता है हमने कायम की हुई है हमने दिल की कायम की हुई है अल्लाह अकबर तो ये इस मुआरे में ऐसे लोगों को मानने वाले और ऐसे लोगों की बातों को ग़ौर से सुनने वाले और उन जाहिलाना बातों को मार्फत की बातें करार देने वालों की कमी भी नहीं है तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू से हिदायत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत का नूर नसीब फरमा तो एकामत नमाज से क्या मुराद है उसके फ़राइज के साथ अदा करना या फिर रुकू सुजूद तिलावत का इतमाम और उसमें खुशू का और खुजू का इजहार और उसमें मुकम्मल डूब जाना कि गोया तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो तो उसको देख रहे हो हज़रत स्मान गनी रदी अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने सही वज़ू किया हुजूर हज़ूसम से रिवायत कि जिसने सही वज़ू किया जिस तरह मैंने वज़ू किया है और दो रकत पड़ी और उसमें उसको किसी गैर का ख्याल ना आया तो अल्लाह ताली उसके पिछले सारे गुना माफ़ कर देता है सिर्फ दो रकत से लेकिन अगर सारी नमाज ही ख्यालों से भरी पड़ी रही और तस्वरत कहीं और भटकते रहे और इंसान खड़ा नमाज में है लेकिन बहकता कहीं और रहा तो फिर वो नमाज की सही इकामत नहीं होगी तो इकामत सलात से मुराद जो है वो या तो उसको फ़राइजो वाजबात के साथ अदा करना और दूसरा मफहम के खुशबू के साथ पूरे अरकान का अतदाल और इतमाम तो दोनों इसके मफहूम बयान फरमाए गए हैं तो जाहिर है कि इब्तदा के अंदर तो कोशिश होगी कि फ़लाइ वाजबा पूरे हो जाएं तो वो खुशबू अगर नहीं भी हासिल हो पाया तो फिर भी कोशिश जारी रखनी चाहिए ना ये कि अब वो तो कैफियत ही नहीं नसीब हो रही तो मेरा नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा हज़रत मुहदस के छोचवी रहमा से किसी मुरीत ने कहा हज़रत नमाज पढ़ता हूँ लेकिन लुत्फ नहीं आता मज़ा नहीं आता तो आपने उसे सवालिया अंदाज में पूछा कि इसके बावजूद भी पढ़ते हो उसने कहा जी वो तो फ़र्ज़ है पढ़ता तो हूँ तो आप झूमने लगे फरमाया वाह वाह तुम्हें मज़ा नहीं आता फिर भी पढ़ते हो इसका मतलब है तुम मज़े के लिए नहीं अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो तो अगर लुफ्फ़ आ जाए वो कैफियत वह हज़ वो तो बहुत बड़ी बात है लेकिन अगर नहीं भी है तो उसका फरीज़ा तो है उसकी तरफ से जो आयद होता है तो वो शक्ल बना के तो खड़े हों वो सूरत बना के तो खड़े हों तो किसी दिन वो कैफियत भी पैदा हो जाएगी खुरश दे बदुररा जो कुब को हमाम के यक रोज उफ तुमाय बदाम शादी शराजी फरमाते हैं कि दाने डालता रहे चोगा डालता रहे कभी कबूतर आएगा कभी क़् आएगा कभी कोई और फाख्ता आ जाएगी लेकिन किसी दिन वो भी आ जाएगा जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो इसलिए मेहनत को जारी रखो कोशिश करते रहो तो एक दिन उस कैफियत में भी चले जाओगे दरवाज़ा खटखटाना छोड़ना नहीं है दस्तक देते रहो कभी तो बुआ खुलेगा ना कभी तो आवाज़ आएगी खुला है दरवाज़ा आ जाओ अंदर फिर अंदर सरूर की वादी होगी कैफ का जहां आबाद होगा और हमारे लिए आसानी पैदा फरमा दी कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो और अगर ये नहीं तो कम अज़ कम ये कैफियत तो हो के वो तुम्हें देख रहा है तो अपनी अपनी कैफियत होती है नमाज को तर्क नहीं करना भरपूर कोशिश हो कि खुशबूखू के साथ नसीब हो तो नमाज की इकामत का यही मफहम है